जब हलाल लुकमा खाया जाता था और अपनी बीवी को हलाल लुकमा खिलाया जाता था तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होते थे वो इब्ने तैमिया बनकर पैदा होते थे, कोई इब्ने कय्यिम बनकर निकलता था, कोई अबू हनीफा बनकर निकलता था तो कोई इमाम शाफई, कोई अहमद इब्ने हंबल तो कोई इमाम मालिक। मेरे प्यारे साथियों, कोई अब्दुल्ला इब्ने दीनार तो कोई अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बनकर निकला करता था। जब हम हमारे हलाल खाते थे और अपनी बीवियों को खिलाते थे तो ये हस्तियां हमारी मां और बहनों के पेटों से पैदा होती थी। जब हमने हमारे हलाल खाना शुरू किया और हमारे हलाल खाने अपनी बीवियों को खिलाना शुरू किया तो बहुत ही मोहब्बत के साथ माफी मांगते हुए कहना पड़ रहा है, जब हमने हमारे हलाल को खाया और अपनी बीवियों को खिलाया तो टिकटॉक पर डांस करने वाली बेटियां पैदा हो रही है, अपने सर से दुपट्टा उतार कर डांस करने वाली लड़कियां हमारे घरों में पैदा हो रही है। यकीन नहीं आता तो इंस्टाग्राम चेक कर लो, मुस्लिम लड़कियों का हाल देख लो, मुजरा करने वाले आज वो लड़के पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े बाल रखकर अपनी कमर मटकाने वाले हिजड़ा सिफत लोग आज हमारे माओ के बहनों के पेटों से पैदा हो रहे हैं। ये सारी चीजें माल हराम खाने का रिजल्ट है। हमने खाया और अपनी बीवियों को खिलाया तो आप क्या समझोगे माल हराम खाए और खिलाए और इतने तैमिया पैदा हो जाए, इब्ने कय्यिम पैदा हो जाए, इमाम हराम बनकर कोई पैदा हो जाए? ये हो नहीं सकता। जैसा खाओगे जो जमीन में बोगे वही पैदा होगा, जो खाओगे वैसी औलादें निकलेंगी। इंस्टाग्राम पर चले जाओ, माले हराम खाने का नतीजा ये है कि हाथ सरों से दुपट्टे चले गए, हया चली गई, डांस कर रही है और ऐसे कपड़े कि देखने वाले को शर्म आए लेकिन पहनने वालों को शर्म नहीं आ रही है। आज ये मुजरा करने वालियां और टिकटॉक पर डांस करने वालियां आज पैदा हो रही है, ये सब माले हराम। हंसने की बात नहीं है, यहां जितने बैठे हैं हम और आप सबको शामिल कर रहे हैं, हमारी और आपकी बिटिया भी शामिल है।